हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मैगी मसाला। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कटे हुए ओनियंस, थोड़ी कैप्सिकम शिमला मिर्च, छोटा बारीक कटा हुआ अदरक, छोटा बारीक कटा हुआ लहसुन। और हम शुरू करते हैं। एक कुकिंग पैन में हम लोग ओनियंस को पहले डाल लेंगे, उसके साथ ही हम लहसुन और अदरक जो छोटे कटे फाइन चॉप हैं उनको हम ले लेंगे। मैंने सारे डाल दिए, मैं वीडियो बाद में शूट करने लगा, सॉरी उसके लिए। तो हमें चाहिए 2 पैकेट मैगी मसाला, उनको हम निकाल लेंगे। साथ में चाहिए हमें 1 टमाटो पील ऑफ किया हुआ, इसका छिलका हम निकाल देंगे और हम लोग इसको इसी में डाल देंगे। हमने डाला है कैप्सिकम शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन बारीक कटा हुआ, और साथ में हम लोग टमाटोज भी छोटे कटे हुए डाल देंगे और सबको हम लोग फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमने मैश नहीं करना है, सिर्फ फ्राई करना है ताकि थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे ये। देखिए गोल्डन हो गए। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। थोड़ी सी हम लोग डालेंगे इसमें लाल मिर्च, मैंने इसमें देगी लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी हल्दी, बहुत हल्की हल्दी हम लोग डालेंगे और हम लोग इसको एक बार चला देंगे। अच्छे से ये फ्राई हो चुका है और देखिए इसने इसने जो ऑयल है वो छोड़ दिया है, इट मीन्स ये अच्छे से कुक भी हो गए और सारे मसाले इसमें मिल गए। अब हम लोग मैगी मसाला के जो मसाला पाउच है उसको भी हम इसके अंदर मिला देंगे। दोस्तों इसको मिला के ज़्यादा देर तक नहीं आप चला सकते क्योंकि ये फिर नीचे जलने लगता है मसाला, तो हम लोग इसको हल्का सा चलाएंगे ताकि ये सारी तरफ सारे जो वेजिटेबल्स हमने डाले हैं उसमें लिपट जाएंगे। फाइनली हमारा ये तैयार हो गया। हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे ताकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो अरोमा है वो जाए नहीं। अगर हम भर के एकदम से पानी डाल देंगे तो ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। और नूडल्स को क्रश करेंगे और इसी के अंदर हम लोग डाल देंगे। पानी दोस्तों इतना लेना है कि हमारे जो नूडल्स हैं वो इसमें डूब जाएं। इसको थोड़ी देर के लिए लो मीडियम फ्लेम पे हम लोग ढक देंगे। देखिए बॉइलिंग होने लग गई है इसकी, इट मीन्स ये 1 मिनट में ही कुक होने वाली है। वेजिटेबल्स हमारी पहले ही कुक हो गई थी, तो हम लोग बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके, लो फ्लेम करके इसको थोड़ी देर के लिए चला के देखिए कुक हो गया है ये। हम लोग देख लेंगे क्योंकि मैगी बहुत जल्दी बन जाती है, 2 मिनट्स रेसिपी है, तो जो हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वो सिर्फ वेजिटेबल्स को कुक करने में ही लगने वाला है। देखिए हमारी ये मैगी बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए हम चलते हैं, सर्व करते हैं, खाते हैं इसको और देखते हैं कैसी बनी है, क्या टेस्ट है इसका। तो दोस्तों आप भी ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, ये ट्राई कीजिएगा कैसी बनी है, आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ एंजॉय मैगी मसाला।